यार, एक कायद में इमारत गिरने के वाक़े पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का बरहमी का इजहार। कहते हैं कि कराची में बिल्डिंग गिरी, लोग मरे, सब सोए रहे, किसी को एहसास नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत सब इदारे चोर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कराची रजिस्ट्री में तजावजात के खिलाफ दरखास्तों, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली समेत अहम मुकदमात की समाअत की है। सूबाई वजीर सईद गनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदोस शमीम नकवी, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, मेयर कराची वसीम अख्तर, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडवोकेट जनरल सिंह सलमान तालिबुद्दीन अदालत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल बिल्डिंग गिरी, लोग मरे, आप सब सुकून से सोए रहे, किसी को एहसास नहीं, किसके कान पर जूं रिंगी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड में वाकया हुआ तो वजीर आजम तक को सदमा था। वहां की वजीर आजम एक हफ्ते तक नहीं सोई थी। कल जो लोग मरे उनका कौन जिम्मेदार है, किसी को एहसास भी है कि लोग मर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि ये सब दिखावे के लिए कार्रवाई की गई है, छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बना देते हैं, हमने कहा था कि गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल रिकॉर्ड दें, इसका क्या हुआ। एडवोकेट जनरल ने बताया कि वो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ठेकेदार को पैसा उस वक्त देते हैं जब आपका कमीशन मिलता है। शहीद मिलत रोड, कश्मीर रोड, नाजमाबाद का क्या हाल कर दिया, यूनिवर्सिटी रोड तबाह कर दिया है, SBCA, KMC, वाटर बोर्ड, किस किस की बात करें, सब इदारे ही चोर हैं, कोई काम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची को मजबूत मंसूबे की जरूरत है, अगर ग्रीन ऑरेंज पर सड़क तैयार है तो फिर बसें चला दें, सारे पाकिस्तान की कचरा बसें कराची में चल रही हैं।